पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में चुनावी हिंसा की जांच करने के लिए पहुंची बीजेपी की विशेष दल का नेतृत्व कर रहे रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम कुछ बिहार के उन इलाकों में जाएंगे जहां जहां हिंसा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि यहां एक पैटर्न बन गया है कि नॉमिनेशन नहीं करने दो, नॉमिनेशन कर दिया तो प्रचार नहीं करने दो, नहीं तो बच्चों को किडनैप कर लेंगे। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने बिहार में भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में कहा है कि नीतीश कुमार ने ममता से हिंसा का तरीका सीख लिया है। हमने जानने की कोशिश की कि पुलिस का कोई एक्शन हुआ है, यूनिफॉर्म रिप्लाई नो एक्शन। आई रिपीट, वी आस्क ऑल द विक्टिम्स, हैव यू कंप्लेन? कहा सर वी डिड। हैज एनी पुलिस एक्शन बीइंग अंडरटेकन? कहा नो। तोड़ा जा रहा है, 12-13 साल के बच्चों पर हमला हो रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कल मैंने प्रेस की थी, मैंने ममता जी से कुछ सवाल उठाए थे, तो आज देखा अखबारों में कि आई रिग्रेट द वायलेंस। पहली बार ममता जी ने कहा आई रिग्रेट द वायलेंस। ममता जी, सिर्फ रिग्रेट करने से नहीं होगा, एक्शन चाहिए। आज जो हम लोग अपने सारे मित्रों के साथ मिले राज्यपाल जी से, उसका एकमात्र पर्पस यही था कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में आप इस बात की चिंता करें कि इनके जान माल की रक्षा हो और जिनके ऊपर हमला हुआ है वो पुलिस पर कार्रवाई हो। रविशंकर जी, ये हमने उनसे प्रेयर किया है, अगर आपको उचित लगे आप कुछ जगह विजिट करें, कहीं तो सुनवाई होनी चाहिए। ममता के राज में सुनवाई खत्म हो गई है, न पुलिस सुनवाई करती है, न प्रशासन सुनवाई करता है। ये सब महाराष्ट्र के पुणे में ये लेवादी इलाके के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह गोदाम में अचानक आग लगी और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वहीं आग बुझाने की कोशिश कर रहे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि हमें सुबह तकरीबन 8 बजे कंट्रोल रूम से इसकी सूचना मिली थी और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आज सुबह 8:05 के कंट्रोल रूम से कॉल आ गया, यहाँ गोडाउन को फायर है करके। यहाँ से टोटल हमने फायर कंट्रोल करने के लिए 12 फायर गाड़ियाँ, 7 टैंकर, पीएमआरडी के 2 फायर गाड़ी और व्हीकल डेपो के सब टैंकर, जेसीबी की मदद हमने जितना जल्दी हो सके उधर हमने पहुँचाया। अभी आग थोड़ी देर में कंट्रोल में आएगी। आग की वजह से ये डीप सील फायर है। यहाँ जो कापड़ गोडाउन का जो स्टोरेज किया था उसकी वजह से फायर जल्दी स्प्रेड हो गया और उससे जो एंगल्स वगैरह जो है वो सब बेंड होके पूरा अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हीट क्रिएट हो गई। और जब हमने पानी मारना चालू किया तो बड़ा स्मोक्स, जो ब्लैक स्मोक आप देख रहे हैं, वो ब्लैक स्मोक आ गया है। अभी आग थोड़ी देर में। जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले सामने आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ गैर कश्मीरी लोगों को आतंकी निशाना बनाते रहते हैं। आज फिर कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 3 गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। मामला शोपिया जिले के गंगराम क्षेत्र का है। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिनका श्रीनगर में इलाज चल रहा है। हमले के बाद पुलिस और सेना के जवानों ने शोपिया के गंगराम की घेराबंदी कर दी। मजदूरों की पहचान बिहार के सुपौल जिले के अनमोल कुमार, हीलालाल यादव और पिंटू कुमार ठाकुर के रूप में की है। सेना का सर्च अभियान जारी है। कमरे माया और तीन बिहारी पे फायरिंग किया है उसने, और उसको उसी टाइम जो है कार वाले रास्ते में आ रहे थे, उसको किसी तरह से रुकवा के उसने गाड़ी पे चढ़ाया तो उसको सुपीर हॉस्पिटल ले गया, और वहाँ पे जो है डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसको श्रीनगर ट्रांसफर किया गया है। और अभी भी उसका हालत जो है गंभीर ही बताया जा रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे अब क्या कहना क्या कहना चाहेंगे? हम परदेसी आदमी मजदूर दूर से कमाने के लिए आते हैं, यहाँ डर सा बना रहता है कि किस तरह कमाएंगे, क्या करेंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग डर से काम पे नहीं जा रहे हैं। आज अब सारे कमरे पे बैठे हैं जी, आज सारे हम सब कमरे में बैठे हैं। बड़ा अफसोस है कि हमारे लेबरर्स जो हैं उनकी शोपिया में दोबारा टारगेटेड किलिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours यकीन करना चाहिए कि इनका पता लगाया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ बड़ा लाजमी है कि लोकल जो हैं इनके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन दें सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके माध्यम से इसकी ऐसी कार्रवाई को रोका जा सके।
तीसरा बड़ा लाजमी है कि वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो साफ तौर पे सामने आए और किसी प्रकार से इनको सहानुभूति, इनके साथ सहानुभूति ना दर्शाएं और इन ऐसे एक्शंस को बड़े तौर पर कंडेम करें। बीजेपी और प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में कब तक हर रोज इस तरह की मन विचलित करने वाली खबर सामने आती रहेगी। करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या करते हुए उसके शव को कुएं में फेंक दिया। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश की लाचार कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राइट टू हेल्थ के नाम पर झुनझुना पकड़ाने की बात करने वाली सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। कोटा का मेडिकल कॉलेज में 7 नवजात शिशुओं की मौत का कारण बना। कभी ICU के अंदर महिला की पलक चूहे कतर रहे हैं, अब एक और नवजात का ऑक्सीजन मास्क जलने से उसकी जान चली गई। यह आपराधिक लापरवाही है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस बात का है कि करौली की घटना घटित होने के बाद, उस मासूम का अपहरण होने के बाद 30 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होना, दर दर कर उसके परिजन भटकते रहे और उसकी लाश मिली उसके बाद मालूम पड़ा कि उसको गोली मारी गई है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के बदनुमा दाग है सरकार पर। मुख्यमंत्री जी ने न जाने किस कारण पूरे कार्यकाल में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं बनाया, अपनी किस्सा कुर्सी को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को छाती से चिपकाए रखा। यही गृह मंत्रालय के रहते हुए जिस प्रकार की दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है, कभी भरतपुर की घटना, कभी करौली की घटना, कभी खाजूवाले की घटना, कभी डूंगरगढ़ की घटनाएँ, ये तो इसी एक सप्ताह की घटनाएँ हैं। इन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया राजस्थान में ना कानून है ना व्यवस्थाएँ हैं। राइट टू हेल्थ देने की बात, झुंझुना पकड़ाने की बात करने वाली सरकार का असली विभत्स चेहरा सामने आया। कोटा का मेडिकल कॉलेज कभी 2 दिन के अंदर 60 नवजात शिशुओं की मौत का कारण बना। बीते दिनों बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हुई घटना पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ हुई कार्रवाई को केंद्रीय मंत्री ने कानून के विपरीत बताया है। आरके सिंह ने बिहार की सरकार को भ्रष्ट सरकार बताकर उसकी तानाशाही की निंदा की। नंबर एक, आपने डाक बंगला चौराहा पर क्यों रोका? ये तो मार्च था विधानसभा तक, अगर विधानसभा में घुसने का प्रयास करते तब आप रोक सकते थे भले। तो दूसरा, ये जो प्रोसेशन था बिल्कुल शांतिपूर्ण था। तीसरा, डाक बंगला चौराहा पर कोई 144 तो लगा नहीं हुआ था, तो क्यों रोक दिया आपने? किस अधिकार से रोका? कानूनन अधिकार नहीं था आपको रोकने का, कानूनन अधिकार नहीं था आपको लाठी चलाने का या बल प्रयोग करने का, क्योंकि आपने कोई आदि अगर 144 का आदेश पारित किया होता कि डाक बंगला चौराहा पर 144 लगा है तो अलग बात, लेकिन डाक बंगला चौराहा पर आपने 144 लगाया नहीं। कानून की धज्जियाँ तो मुख्यमंत्री भी, पहले तो उप मुख्यमंत्री तो खैर उड़ा ही रहे हैं, ये तो चार्जशीटेड हैं भाई, भ्रष्टाचार के केस में चार्जशीट, मामूली चार्जशीट नहीं है, ऐसे वैसे चार्जशीट नहीं, भ्रष्टाचार के मामले चार्जशीट है। और ऐसा मामला है जो कि एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है, इन्होंने नौकरी देने के, ये और इनके पिताजी नौकरी देने के एवज में घूस लिए, जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था तो उसे उसका जमीन लिखवा लिए, यही तो केस है। और जमीन लिखवाने का प्रमाण है, नौकरी देने का प्रमाण है, सारा प्रमाण है, तो इनका कन्विक्शन तो तय है। मांग तो यही थी कि हाँ साहब तो ये रिजाइन कर दे, यही ना मांग थी। ये भ्रष्टाचार को एकदम बिल्कुल सजो करके रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी, कहते हैं कि हाँ साहब तो मैं क्लीन हूँ, अब मैं सुशासन बाबू हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव के चलते बाढ़ जैसी हालात बनी हुई है। कल यमुना नदी का जल स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कल स्कूलों, कॉलेजों, शमशान घाटों और यहां तक के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि उफनती हुई यमुना नदी का पानी दिल्ली में भर गया है। आज सुबह 6 बजे यमुना का जल स्तर 208.46 मीटर तक था, जो कल रात 208.66 से थोड़ा कम है। दिल्ली में जो ISBT कश्मीरी गेट और मॉनेस्ट्री के एरिया में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, रात को भी काफी पानी था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि कम होने लगा है। लेकिन पानी का भराव अभी भी रिंग रोड पर है, अगर आप वजीराबाद से लेके लाल किले तक देखें, पानी का भराव कल दिन में काफी था। उसके बाद जो जल स्तर लाल किले से लेके लाल किले के पीछे की साइड से लेकर देखें तो राजघाट तक अभी जल स्तर बढ़ा है। हालांकि यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वापस पानी जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस स्थिति के कारण से हमने रात को, चूंकि राजघाट तक पानी आ गया था, तो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के ट्रैफिक को हमको बंद करना पड़ा, जिसके कारण से पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के बीच में जो आवागमन है उस
वो प्रभावित हुआ उसके लिए डाइवर्जेंस कर दी गई हैं। साथ ही अगर देखें तो दूसरा जो हमारा मेन कनेक्टिंग रोड था ईस्ट और वेस्ट दिल्ली के बीच में, जो विकास मार्ग, उस पर भी पानी आ गया है। तो आईटीओ से, आईटी फ्लाईओवर से विकास मार्ग साइड में जो यातायात जा रहा है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। और बड़े यातायात का आवागमन हमने अभी भी चालू रखा है विकास मार्ग से आईटीओ की साइड में, लेकिन अगर जल स्तर अगर प्रभावित होगा तो उसके बारे में भी अभी जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। भैरव मार्ग पर पानी कम होने लगा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि भैरव मार्ग को आज शाम तक खोलने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और बाकी जगह देखें, NH 48 पर ट्रैफिक है, स्पीड करीबन 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहाँ पर यातायात का आवागमन है, क्योंकि जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ को हम सभी पॉइंट से, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो राजोकरी हो, बदरपुर हो, टीकरी हो, चिल्ला बॉर्डर हो, लोनी बॉर्डर हो, जो फल सब्जी और दूध वगैरह का जो भी आवागमन है उसको हम जो है अलाउ कर रहे हैं। और इस स्थिति को देखते हुए अभी अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो ट्रैफिक चल रहा है, और जहाँ जहाँ पर बाढ़ के कारण से जो निर्णय लेना पड़ा है कि यातायात को या तो रोका गया है या डाइवर्जन की गई है, वो प्लान किया गया है। अगर आप धोलाकुआ से नॉर्थ दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपके नारायणा से, पंजाबी बाग से जा सकते हैं, या रानी झांसी होकर अगर आप सेंट्रल दिल्ली जाना चाहते हैं तो रानी झांसी फ्लाईओवर का यूज कर सकते हैं। सराय कालेखा से भी हमने आगे जो ट्रैफिक है आईपी फ्लाईओवर की साइड, आईटीओ की साइड, उसको हमने डाइवर्ट किया है, क्योंकि आईपी फ्लाईओवर के नीचे पानी आ गया था। तो वहाँ पर भी सराय कालेखा से फिर आगे आश्रम है और बदरपुर तक वहाँ ट्रैफिक चल रहा है, हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक को हमने रोका हुआ है, बाकी ट्रैफिक चल रहा है। तो उस स्थिति में अभी तक जो है कल की तुलना में जो यातायात का जो आवागमन है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है, और जैसे जैसे पानी का जल स्तर कम होता जाएगा उस हिसाब से हम अपनी डाइवर्जेंस को कम करना शुरू करेंगे और ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। लेकिन अगले एक दो दिन में ये स्थिति आगे देखने को मिलेगी कि किस दिशा में जो है पानी का स्तर होता है। देखिए, बिल्कुल सभी एजेंसी जो हैं, जो PWD है, पुलिस है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, MCD है, NDMC है, सभी के साथ मिलके जहाँ जहाँ पर कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या रोड केविन हो सकते हैं, या वाटर पंप्स की आवश्यकता है, उनको प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, मेरे पीछे आप देखेंगे तो यातायात जो है पुराना किला से, सी एक्सागंज से, अगर आपको सराय कालेखा जाना है, आपको अक्षरधाम साइड में जाना है तो यातायात चल रहा है। इसके साथ अगर आपको रिंग रोड जाना है वो भी चल रहा है, तो प्रगति मैदान टनल चल रहा है, जो अंडरपास है सुंदरनगर वाला वो भी चल रहा है, इसके अलावा DPS वाला अंडरपास चल रहा है, तो मथुरा